सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द चार्ज, या हम बोल सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज. सो दे आर द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द चार्ज इज क्वांटाइज्ड. तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी फंडामेंटल यूनिट चार्ज की है इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो किसी भी बॉडी पर चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, वो आपके इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा. यानी चार्ज ऑन एनी बॉडी क्यू दैट इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. कंसिडर करते हैं कि ये कोई ए बॉडी है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए हैं, यानी इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन एग्जिट हुए हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो एग्जिट हुए होंगे, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन एग्जिट हुआ होगा, या दो इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से एन इलेक्ट्रॉन आपके बाहर गए होंगे. और जब इस बॉडी पर एन इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जो चार्ज है बॉडी पर वो एन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा. सो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज. तो अगर हम इस बॉडी की बात करें, तो चार्ज ऑन दिस बॉडी दैट इज प्लस एन इंटू चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस बॉडी से आपके 3.5 इलेक्ट्रॉन जाएं या 5.6 इलेक्ट्रॉन जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर क्वांटिटी में ही बाहर जाएंगे. अब कंसीडर करते हैं कि यह कोई बी बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है. इसका मतलब है कि इस बॉडी पर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन के कंपेरिजन में. तो मानते हैं कि इस बॉडी पर कैपिटल एन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कैपिटल एन प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एक्सिस में क्या है, यहाँ पर एक्सिस में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इस बॉडी पर जो चार्ज होगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होगा. तो चार्ज ऑन दिस बॉडी दैट इक्वल टू एन टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसकी क्वांटिटी क्यू दैट इक्वल टू प्लस माइनस एन टाइम चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी. सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेयर एन इज ऑलवेज इंटीजर नंबर. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. मीन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज का डायरेक्शन तो होगा ही नहीं, और चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं. अगर ये कोई बॉडी है ए, इस पर इनिशियली Q1 चार्ज है और इस बॉडी पर Q2 चार्ज अगर और आता है, तो नेट चार्ज इस बॉडी पर जो Q होगा दैट इज द Q1 प्लस Q2. तो वी कैन एल्जेब्रिकली एड द चार्ज. सो चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी. थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल. सो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी मीन्स ट्रांसफर ऑफ चार्ज. सो चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा जो मूवमेंट होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन्स का होगा. यानी इलेक्ट्रॉन वन बॉडी से अनदर बॉडी पर मूव कर सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक पॉइंट चार्जेज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पॉइंट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर. मीन्स कि अगर दो पॉइंट चार्ज सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट नेचर के हैं यानी एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है और एक पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन आपको यहां पर एक बात बहुत ध्यान से देखनी है कि दिस इज वैलिड फॉर ओनली द पॉइंट चार्ज. अगर एक्सटेंडेड बॉडी पर चार्ज है उसको हम अपनी क्लासरूम में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दो अपोजिट नेचर के चार्ज जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ये हम अपनी क्लासरूम में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे.
तो अभी हमें क्या देखना है कि पॉइंट चार्ज सेम नेचर के एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉइंट चार्ज अपोजिट नेचर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि चार्ज आपका कंसंट्रेटेड है केवल एक पॉइंट पर। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मीन्स आपका चार्ज जो है मास के साथ एसोसिएटेड है। यानी अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, यानी चार्ज बॉडी है, तो उसका मास जरूर होगा। लेकिन ये आपका पॉसिबल हो सकता है कि किसी कोई मास वाली बॉडी यानी कोई मास पर चार्ज ना हो। तो हमें ध्यान रखना है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। जैसे हम आगे पढ़ेंगे फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है लेकिन उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी चार्ज को हम किसी भी फ्रेम से देखें उसके मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस पॉइंट को हम क्लासरूम में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगेन समराइज, फर्स्ट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, सेकेंड चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास एंड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट शीट।